खंडवा से है, जहां इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर लिंगी फाटे के निकट सोयाबीन का कच्चा तेल रिफाइनरी ले जा रहा टैंकर संतुलन बिगड़ने से मोड़ पर पलट गया। टैंकर से रिसने वाला तेल आसपास के गड्ढों में जमा होने पर आसपास के गांव से आदिवासी परिवार प्लास्टिक की केन, बर्तन और डिब्बे लेकर तेल भर ले जाने के लिए टूट पड़े हैं। आदिवासी फलिया में जल संकट के बावजूद लोग डिब्बों में भरा पानी फेंक कर तेल भरने में जुट गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर बोर गांव चौकी से पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर लोगों को बताया कि यह तेल खाने योग्य नहीं है। बोर गांव चौकी प्रभारी रमेश यवले ने बताया कि रविवार रात खंडवा से बुरहानपुर की ओर जाते समय एक तेल का टैंकर क्रमांक MP09HH4168 लिंगी फाटे के पास असंतुलित होकर गड्ढे में पलट गया था। टैंकर में चालक इकरार अली पुत्र असगर अली जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और सहायक चालक मनीष पुत्र छोटेलाल यादव निवासी खालसा पोस्ट सागर थाना गोरा जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश घायल हो जाने से उन्हें अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया है। टैंकर से रिसने वाले तेल को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने पर यह तेल खाने योग्य नहीं होने की समझाइश दी गई। लोगों की भीड़ को देखते हुए माइक से भी लोगों को इस तेल का उपयोग खाने के लिए नहीं करने और इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने समझाइश देकर लोगों को लौटाया गया। टैंकर पलटने की सूचना ट्रांसपोर्टर को दे दी गई है।